रायपुर से खबर, जहां कोयला संकट का असर देखने को मिल रहा है। बिजली घरों के पास सिर्फ 3 से 4 दिन का कोयला ही बचा है। प्रदेश में रोजाना 29,500 मीट्रिक टन कोयले की जरूरत होती है, वहीं 32,990 मीट्रिक टन ही अब कोयले की सप्लाई हो रही है। आपको बता दें कि रायपुर में फिलहाल कुछ ही दिनों का कोयला शेष बचा है और कोयले की वजह से बिजली संकट रायपुर पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा 32,290 मीट्रिक टन ही कोयले की सप्लाई इस समय हो रही है। बिजली घरों के पास सिर्फ 3 से 4 दिन का कोयला ही बचा है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बिजली संकट बना हुआ है और 32,990 मीट्रिक टन ही कोयले की सप्लाई इस समय प्रदेश में हो रही है। तो कोयला संकट का असर इस समय प्रदेश में यानी कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। बिजली घरों के पास सिर्फ 3 से 4 दिन का ही कोयला बचा है और रायपुर वासियों को इससे परेशानी हो सकती है। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, बिजली संकट इस समय छा सकता है क्योंकि कुछ ही दिन का कोयला बचा है इस समय बिजली घरों के पास। जी बिल्कुल, बिजली का संकट जो है वो छत्तीसगढ़ में भी छा सकता है क्योंकि बीते दिनों ये खबर आई थी कि देश भर में कोयले की कमी जो है वो देखी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी खबरें सामने नहीं आई थी। लेकिन अब खबरें सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी कोयले की कमी हो सकती है क्योंकि विद्युत कंपनियों के पास जो है कुछ ही दिन का कोयला बचा है। ये मामला जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास पहुंचा तो उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए कि कोयले की कमी जो है वो राज्य में नहीं होनी चाहिए। हम दूसरे राज्यों को विद्युत का सप्लाई करते हैं, दूसरे राज्यों को कोयला भेजते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस तरीके की कैसे हो गई, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। उन्होंने नाराजगी जता करके अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द कोयले की जो कमी है उसे दूर करने का प्रयास करें और हर वो जरूरी जो चीजें हैं जो कोयला की उपलब्धता है वो सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए। हालांकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में बिजली की कटौती भी की जा रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी विद्युत की कमी हो सकती है, कोयले की कमी क्योंकि इसलिए है, इसलिए यहाँ पर भी काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिजली की कटौती अब शुरू हो गई है। जी, यानी कि निर्देश सीएम की ओर से दिए जा चुके हैं, लेकिन उन निर्देशों का कब तक पालन होता है, कब तक जो संकट जो बना हुआ है प्रदेश में वो कब तक सही होता है, ये फिलहाल देखना होगा। सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।